हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाजार जैसा ही मिठाई घर पर बना रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये बाजार का मिठाई नहीं है, बाजार जैसा ही दिखने में लगेगा। मिठाई को बनाने के लिए हमको रोटी का जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम आज रोटी लेंगे। अगर आप भी बनाइएगा तो ताजी रोटी से ही बनाइएगा। इसके लिए हम ताजी रोटी लिए हैं, उसको हाथ से मसल मसल कर टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे और नहीं तो ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करके छोटा छोटा करके मसल लेना है और ग्रेटर से ही दिखा रहे हैं कि किस तरह ग्रेट करना है। इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। देखिए कितना बारीक होता है। तो ग्रेट करके हम रख लिए। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। आपके पास जो भी हो उसी से आप बना लीजिए। मेरे पास थोड़ा सा नारियल है, पिस्ता बादाम है और काजू है, इसी को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करके हम अब रख लेंगे। कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल के रोटी का जो टुकड़ा बना के रखे हैं उसको हम भून लेंगे। लो फ्लेम पे भून लेंगे, रोटी जले नहीं, नहीं तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। और घी में ही भूने, घी में भूनने से इसका स्वाद अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स, रोटी मेरा भुना गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लें। थोड़ा सा हम मावा लिए हैं, उसको भी हम गरम कर लेंगे। ये मेरे घर में पहले से ही मावा हम बना के रखे थे, उसको हम गरम कर लेंगे। इसमें हम चीनी पहले से ही डाल दी है। अगर आपके पास अगर मावा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल दें और ड्राई फ्रूट्स इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम 1.5 कटोरी चीनी लिए हैं और 3 कटोरी पानी डाले। चाशनी इधर बनने के लिए चढ़ा दिए हैं। तब तक में हम ये रोटी जो भून के रखे थे उसको हम पीस लें, इसलिए हैं इसको हम। अब इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको हम मिला लें। दूध रूम टेम्परेचर का ही लीजिएगा, ठंडा दूध नहीं लीजिए। थोड़ा सा हाथ में घी लगा के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरा सॉफ्ट हो जाए। छोटा छोटा लोई बना लेंगे, उसमें से वो जो मावा का मिक्सचर है उसको हम छोटा छोटा लोई बनाकर से बीच में डाल के जैसे लोई को बना लें। देखिए मेरा सारा लोई बनकर तैयार हो गया, कितना स्मूथ लगता है देखिए। अब जो चाशनी भी मेरा बन रहा है, इसमें
इसे हम थोड़ा सा केसर और 3-4 इलायची का सिर्फ मुंह खोल के उसमें डाल देंगे। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, चाशनी जैसे तेल रहता है ना उसी तरह चिपचिपा होगा और बन जाएगा। अब हम मिठाई का जो लोई बनाकर तैयार किए थे उसको हम हाई फ्लेम पे ही इसको तलना। देखिए कितना अच्छा कलर आया। अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। अब दूसरा जो बचा हुआ था लोई उसको भी तल लेंगे और उसको भी डाल देंगे चाशनी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मिठाई बनकर तैयार हुई। अब हम इसको काट कर दिखाते हैं अंदर में जो मावा भरे थे वो कैसा लगता है। देखिए फ्रेंड्स हम काट के दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बनाइए खाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।